चायर रोड पर जाजा गांव के समीप ट्रक पलट गया। ट्रक में सवार एक महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। वही महिला के गोद में 3 माह का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला के शव को सोलन अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वही बच्चे को IGMC शिमला रेफर कर दिया है। पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। चायल रोड पर झाजा गांव के समीप ट्रक पलट गया। ट्रक में सवार एक महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं उनके महिला के गोद में 3 माह का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। महिला के शव को सोलन अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। वहीं बच्चे को IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार सड़क का गटका बिछाते हुए बुजुर्ग महिला को ठंड लगने लगी। उसे बच्चे के साथ ट्रक में बिठा दिया गया। कुछ देर बाद ट्रक अचानक पीछे की ओर चल पड़ा और खाई में पलट गया, जिस कारण महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जैसे ही घायल महिला को नीचे से ऊपर सड़क पर लाया गया, बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि वे सभी सड़क निर्माण के कार्य से राजस्थान से चायल कमाई के उद्देश्य से आए थे, लेकिन वे हादसे का शिकार हो गए। ये हम चौड़ा रोड के, जो चौड़ा रोड नहीं है वहाँ पर हम बेचारे थे गटका, तो मतलब एक टिप्पर आया था मिट्टी का, तो काफी बंदे पीछे मिट्टी लगाने के लिए लग गए और बूढ़ी वो माता जी थी और एक बच्चा था 2 महीने का। तो बूढ़ी माता जी को बोला भाई ठंड की वजह से मतलब सड़क ज्यादा पड़ रही है, तो उनकी वजह से आगे बिठा दिया उनको और बच्चा दे दिया हाथ में। ठीक है, तो मतलब जैसे वो टिप्पर है ना, अचानक ही वो नीचे चला गया खड्ड में। जब फिर बंदे हाई हुई मची, वो टिप्पर जैसे पलटा मारा उसने, जैसे वो गए नीचे जाके बंदे ने निकाला, तब तो माता जी को निकाल के ऊपर तक लेके आए, तब तक उनमें सांस थी, फिर उनके बाद में माता जी की सांस तो मिली खुल चुकी थी वहाँ से। यहाँ से फिर जो हमारा ठेकेदार है ना, उसने हमारी फुल हेल्प की थी। फिर हम ले गए थे चाइल्ड चाइल्ड से, फिर उन्होंने हमारे को यहाँ सोलन के लिए रेफर करने के लिए बोला था कि भाई सोलन ले जाओ, वहाँ पर फ्रीजर है, वहाँ पर रखना पड़ेगा इनको। तो फिर ठेकेदार ने हमारी फुल हेल्प की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।